जो तुम नहीं छोड़ोगे। ये हमारे देश के सही, ये हम अपने देश के जवानों के लिए कर रहे हैं जो उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है। हम इसके बारे में नहीं आते। क्या कुछ प्रोग्राम थे सर? नेहा, मैं नेहा शर्मा सरला मेमोरियल कॉलेज की प्रधान बोल। जैसे हमारे शहीद हुए हैं 45 शहीद हुए हैं हमारे, हम ये चाहते हैं कि उनका बदला लिया जाए। जितने हमारे मरे उनसे डबल मारा जाए। इनफैक्ट पूरे कॉलेज को, जितना पूरे कॉलेज, हमारे कॉलेज से बहुत बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को। सारे देश में आक्रोश है और हम ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उनका बदला लिया जाए। क्या चाहते हो प्रधानमंत्री को, क्या मैसेज देना चाहते हो? प्रधानमंत्री को एक मैसेज देना चाहते हैं कि 370 धारा खत्म कर देनी चाहिए। उसी के बाद कुछ हो सकता है, देश में बदलाव लाया जा सकता है, कश्मीर में बदलाव लाया जा सकता है। पाकिस्तान की जड़ को खत्म करना चाहिए और उसकी जड़ को खत्म हम कश्मीर से कर सकते हैं। 370 धारा को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और वहाँ पे जैसे 370 धारा का पता है हमें कि कुछ 370 धारा के अनुसार हम यहाँ पे कोई भी हमारा जैसे अंबानी या फिर टाटा बिरला कोई भी वहाँ पे कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। तो ये वहाँ पे 370 धारा को खत्म करना चाहिए। अगर हम बैठे बैठाए को खाना देंगे तो वो काम क्यों करेंगे? इसलिए उन्हें काम दिया जाए और इनकी जड़ को ही खत्म करना चाहिए। जितना यहाँ से इस देश से भी बहुत सपोर्ट हो रहा है उनको, उसको भी खत्म करना चाहिए। महिलाएं की बात करी जाए, लड़कियों की बात करी जाए, तो किस प्रकार से उनको जो है मजबूती दे सकती है? उनकी फैमिली में से किसी को सरकारी जॉब देनी चाहिए। महिलाओं के लिए भी जैसे उनकी जो जो शहीद हुए हैं उनकी माताएं, उनको पेंशन वगैरह देनी चाहिए। और भी सरकार को करना चाहिए जैसे और क्या क्या फैसिलिटी देनी चाहिए सरकार को? जॉब तो होती है जो शहीद होते हैं हमारे, और जो ये शहीद हुए हैं इनको शहीद का दर्जा भी देना चाहिए। अब ये पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है, जैसे हम सब जानते हैं कि वो शहीद हुए तो उन्हें शहीद की उपाधि देनी चाहिए। सरकार महिलाओं को लेके बहुत सारे काम कर रही है। शहीदों में आपको क्या, जैसे कॉलेज में जाते हैं पूरी सुविधा मिलती है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बस की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। बहुत बार एसडीएम के पास भी जाते हैं बच्चे, एसडीएम के पास भी जाने से बस नहीं मिल पाती। मतलब डा कॉलेज है वहाँ पे बस लेके आती है, गांव से लेके आती है। बल्कि हम यहाँ ये चाहते हैं कि यहाँ भी बस होनी चाहिए। बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर बस नहीं होती तो ऑटो से आना पड़ता है। ऑटो में बहुत बच्चों के साथ छेड़छाड़ी होती है, बहुत ऐसी। तो यही चाहते हैं हम कि बस होनी चाहिए। कौन सी क्लास है? बीए फाइनल ईयर। क्या नाम है? नेहा शर्मा।